स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एसओ एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अपडेट में लेकर के बहुत बड़ा अपडेट लेकर के प्रेजेंट है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्या है सच्चाई, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो स्किप नहीं करिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी से प्रोवाइड हो सके। UPS OPS ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सब कुछ हम लेकर के प्रोवाइड हमेशा आपको करते रहेंगे, नोटिफिकेशन को अपडेट। और इसके साथ साथ अगर इंग्लिश से TGT की तैयारी कर रहे हैं, PGT की, तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और UGC नेट JRF के फर्स्ट पेपर के लिए भी, चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको क्लासेस मिलेंगी। UP प्राइमरी टीचर न्यू वैकेंसी 2024। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों, यहां पर निकल करके 122,000 पदों पर शिक्षक भर्ती चयन आयोग ने जारी कर दिया एग्ज़ाम कैलेंडर। अब UP प्राइमरी टीचर न्यू वैकेंसी 2024, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नई भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही में एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होकर के शिक्षक बनने का जो है सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी जो है अच्छी अपडेट हम लेकर के आए हैं। पिछले 6 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी नहीं निकली है, ऐसे में 122,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का ऐलान यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है। अब बता दें आपको, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि उसके अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों पर अभी तक भर्ती के लिए अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है, और इसी वजह से चयन आयोग द्वारा शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें जो है इस भर्ती के लिए अधियाचन मांगा गया है। साथ ही जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि सितंबर के महीने में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों पर अधियाचन मिल सकता है। प्राइमरी वैकेंसी टीचर न्यू वैकेंसी 2024, उत्तर प्रदेश में जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 1 लाख से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी खाली है, जिसके लिए पिछले जो है काफ़ी समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाए। हाल ही में प्रशासन द्वारा जो है 45,000 शिक्षक के पदों पर भर्ती का दोबारा से ऐलान किया है। बता दें, जबकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, प्राथमिक शिक्षक के पदों पर कितने पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी इसको लेकर के कोई भी जानकारी सामने नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि 69,000 प्राथमिक शिक्षकों के साथ ही 25,000 TGT PGT शिक्षकों की भर्ती को भी निकाला जा सकता है। दोनों को एक साथ जोड़ने पर करीब यहां पर 122,000 पदों पर वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकल सकती है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर भी जल्द आएगा सामने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा। अभी तक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, और लेकिन इस जो है एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए सभी प्रकार की तैयारी इस समय शुरू हो चुकी है। जल्द ही शिक्षा विभाग जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु अधियाचन भेज देगा, और उसके साथ में आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा की तिथियां की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो बता दें कि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 10 दिन के अंदर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी देखना अथवा सुनने को मिल सकती है। कैलेंडर आपको इसी सितंबर महीने में जारी होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस परीक्षा कैलेंडर में शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी देखने को मिल सकती है, साथ ही विभाग द्वारा पुरानी वैकेंसी अटकी हुई उनकी जानकारी भी देखने को मिलेगी। खाली पदों पर ही जैसे ही शिक्षा विभाग अधियाचन भेज देगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग एग्जाम कैलेंडर घोषित कर देगा। तो इस तरह से लास्ट तक हमारे जो है
वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।